हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम था, जिसका सेंटर कानपुर पड़ा था। तो मैं अपनी बेटी को लेकर कानपुर गई थी। सेंटर के सामने ही जब मैं बैठी थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर बालाजी का एक गेट बना हुआ था, जिससे कुछ ही दूरी पर बालाजी का एक मंदिर था। मैंने कई लोगों से कन्फर्म किया तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ 3 किलोमीटर दूर एक बालाजी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बालाजी के दर्शन ही कराती हूँ। तो मैंने वहाँ से एक ऑटो पकड़ा, उस ऑटो को मैंने सैनिटाइज किया और मैं उसमें बैठ के बालाजी के मंदिर चली गई। मंदिर के गेट पर जब मैंने देखा तो मुझे वहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत लगा। जैसे मैं मंदिर के गेट के अंदर मैंने एंटर किया तो वहाँ पर गेटमैन ने मुझे सैनिटाइज किया। सैनिटाइज करने के बाद जैसे ही मैंने अपने स्लीपर एक जगह रखे, उसके बाद मैंने मंदिर में मुड़ के देखा तो मुझे वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसके कुछ स्वीट मेमोरी वीडियो बना लेती हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करूँगी। तो मैं कुछ स्वीट मेमोरी वहाँ से लेकर आई हूँ। तो आप इसके लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं मंदिर में कुछ स्वीट मेमोरी के साथ, आपको भी मैं मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये है शताब्दी ट्रेन, जिससे मैं और मेरी बेटी ने अलीगढ़ से कानपुर की जर्नी कंप्लीट की। और ये है कानपुर का रेलवे स्टेशन, जो बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। मैं और मेरी बेटी दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर निकले तो हम लोग मास्क लगाए हुए थे। ये कानपुर रेलवे स्टेशन का एग्जिट गेट था, जिसमें कुछ पुलिस फोर्स तैनात थी। और चलते हैं बालाजी के मंदिर। ये बालाजी का मेन गेट है, सिद्ध श्री बालाजी सरकार। जब बालाजी के मंदिर के अंदर पहुंचे तो ये बालाजी के मंदिर का प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार में बालाजी के मंदिर का ये साइड कैंपस था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने इसकी कुछ पिक्स अपने साथ भी ली हैं, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छे से फ्लावर लगे हुए थे और गार्डनिंग बहुत अच्छी थी। और ये मंदिर इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर 25 फरवरी 2019 में देश के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ जी कोविंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी आए थे। मैंने उनकी कुछ सुंदर सुंदर सी पिक्स ली हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ पिक्स मैंने जूम करके भी ली हैं, आप देखिए। ये सारी पिक्स बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इस पिक्स में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी माता जी के सामने नमन करते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये जब राष्ट्रपति जी अंदर आए थे तो उस समय की पिक्स है। फिर उनको यहाँ पर वेलकम के लिए बिठाया गया था। बड़ी मनोहारी पिक्स लग रही हैं। रामनाथ जी बातें करते हुए मंदिर के रमणीक वातावरण में एंटर कर रहे हैं। तो आप लोग भी इन पिक्स को एंजॉय कीजिए। कुछ पिक्स के साथ मैंने भी अपनी पिक्स ली हैं और ये हैं बाल बजरंगबली, जिनके सामने पुजारी जी खड़े हुए हैं। ये राधा कृष्ण की सुंदर मनोहारी मूर्ति हैं, जो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इनके चरण, जिसमें कुछ फूल रखे हुए हैं, श्री कृष्ण की ये बहुत प्यारी सी मूर्ति हैं। और उसके बराबर में श्री सीताराम जी की मूर्ति हैं, जो मन को बहुत ही लुभा रही थी। उसके बराबर में माता रानी की मूर्ति है,
ये मूर्तियाँ मन को बहुत ही आकर्षित कर रही थीं। पुजारी जी खड़े हुए थे और हनुमान जी की मूर्ति तो अद्भुत ही लग रही थी। फिर हम ने गणेश जी के दर्शन किए। गणेश जी के दर्शन करने के बाद शिव पार्वती की मूर्ति के दर्शन किए हमने और हमने उनसे आशीर्वाद लिया। फिर हम दत्तात्रेय महाराज की मूर्ति से आशीर्वाद लेकर माता रानी के पास गए और माता रानी को नमन करते हुए उनके दर्शन किए। यहाँ की मूर्तियाँ मन को बहुत लुभा रही थी और ये है परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा मार्ग में रामचरितमानस की चौपाइयाँ लिखी हुई थी जिनको लोग पढ़ते जा रहे थे और परिक्रमा मार्ग में चलते जा रहे थे। परिक्रमा मार्ग बहुत ही साफ सुथरा लग रहा था जिसका नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। परिक्रमा करते हुए हम मंदिर के आगे बढ़े और फिर हम मंदिर के किनारे जाकर हमने वहाँ पर देखिए हमने कुछ लोगों को चलते हुए भी पिक्स लिए हैं। ये चौपाइयाँ मन को हर्षित कर रही थी। परिक्रमा मार्ग के पीछे का व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। परिक्रमा करते हुए जब हम आगे चले जा रहे थे तो हमें यहीं पर हमें प्रेतराज जी के दर्शन करने को मिले। ये प्रेतराज जी का मंदिर है जहाँ पर मनोकामना की पूर्ति होती है और ये श्री बालाजी सरकार की मूर्ति है। बालाजी सरकार के मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भैया लोग सरकार की निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और ये बालाजी सरकार की मूर्ति है जिसको दर्शन करके हम धन्य हो गए। मैंने जूम करके बालाजी के दर्शन आपको भी कराने की पूरी कोशिश की है। बालाजी की मूर्ति मन को मोह लेने वाली थी। मंदिर के बराबर में ही एक छोटा सा शिव मंदिर था जहाँ पर भगवान भोलेनाथ नंदी जी के साथ और माता पार्वती के साथ अपने परिवार सहित विराजमान थे। ये मंदिर के बाहर का व्यू है जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसी के बराबर में एक संत सदन था जहाँ पर लोगों की चिकित्सा फिजियोथेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप मेरे साथ इस व्यू का एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। बाय बाय।